हमारा नया बेड आएगा, नया बेड बनने लग रहा है। साफ हो रहा है। लो भाई, अथर्व का हमारे बेड पे है। देखो भाई, काउच पर हमने दो कलर लिए हैं। ओढ़ना, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं अपने रूम में। हमारा यहाँ पर बेडरूम था, यहाँ पे हमारा बेड डला होता था, और बेड के नीचे से गंदगी देखो कितनी निकली है, ये देखो। और जबकि डेली झाड़ू लगती थी, बस ये है कि पोछा नहीं लग पाता। और इस साइड पोछा लगता है तो इधर से साफ है, पत्थर एकदम सफ़ेद और वहाँ से काला। यहाँ पे चल रहा है हमारा थोड़ा सा काम, बहुत सुंदर सा यहाँ पर बनने वाला है। क्या बनने वाला है? हाँ, सिरहाना, बेड का सिरहाना। यहाँ पर हमारा नया बेड आएगा, नया बेड बनने लग रहा है। और बस फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में, इसलिए ब्लॉग को आप पूरा ज़रूर देखना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैंने ना फ़ैन बंद किए हुए हैं ताकि मेरी वॉइस क्लियर आ जाए। एसी मिस्त्री ने कपड़ा डाल के रख दिया था कि इसके अंदर डस्ट वगैरह ना घुस जाए। एलईडी के ऊपर भी यहाँ पर कपड़ा है। एलईडी का फ्रेम हम अभी इसलिए नहीं बनवा रहे क्योंकि पता क्या, ये एलईडी ना हमारी रोंग साइड है। तो हम क्या सोच रहे हैं अभी भाई, जब आने वाले टाइम में, जब भी एक दो साल बाद, जब भी अच्छा सा बैलेंस बनेगा, क्योंकि इसमें हमारा पैसा बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो हम यहाँ से एलईडी हटाकर यहाँ लगवाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से गेट हटवाएंगे, मंदिर का गेट है ये, और हम ओपन मंदिर बनवाएंगे बाहर लोबी की साइड में, मतलब अपनी लोबी में। यहाँ से दिखाती हूँ, ये इतना मंदिर हो जाएगा हमारा, यहाँ से स्टार्ट होके, और ये दीवार है यहाँ तक, और फिर यहाँ बाहर आएंगे ना। तो हम सोच रहे हैं यहाँ अपना ओपन मंदिर का गेट हमारा यहाँ हो जाएगा ओपन, बाहर लोबी में, और लोबी में अच्छा भी लगेगा, है ना, तो मंदिर अच्छा बन जाएगा। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये तो एक दो साल बाद ही हो पाएगा, पता नहीं जब भी होगा, इसलिए अभी हम अपना एलईडी फ्रेम नहीं बनवा रहे हैं, अभी हम सिर्फ बेड बनवाएंगे अच्छा सा, क्योंकि हमारा बेड बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। हीरा ये टूटा फूटा, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता था हीरा, ये टुट्टू फुट्टू जो भी है, इसने भी 13 साल निकाल ही दिए, अच्छा था उस टाइम का। और ये पड़ा बाहर, ये यहाँ पे, और इन सोफ़ों का कवर चेंज करवाएंगे, सोफ़े गंदे हो रखे हैं। और भाई बहुत सारा मेकओवर होने लग रहा है मेरे घर का। और यहाँ पर भी, इधर इस साइड दिखाऊं, इस साइड ये हटेगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमारा पुराने वाला बेड आएगा, और पुराने वाले बेड का भी हमारा बहुत सुंदर सा सिरहाना बनेगा, सिंपल बनेगा लेकिन अच्छा बनेगा। वो वाला तो उसका निकाल देंगे ना, ये सब हटा के यहाँ से, ये पूरी डेकोरेशन यहाँ से, ये सब जितनी कबाड़ खाना हट रहा है ना, ये हो रहा है सब कबाड़ खाना, ये सब निकाल लूँगी यहाँ से। और ये देखते हैं कैसे कैसे सेटिंग होगी। और अभी तो बहुत ज़्यादा काम फैला है, अलमारी हमारी यहाँ पर रखी हुई है, फाइनल धीरे धीरे आपको ब्लॉग में देखने से पता चली जाएगा, क्योंकि इसी ब्लॉग में आपको पूरा दिखा दूंगी, और फिर फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी किसी दिन अलग से अपना होम टूर कराकर। तो चलिए अब कर लेते हैं अपना काम किचन का। पहले मैं क्या सोच रही हूँ कि यहाँ पर साफ करते हैं, ये गंदा हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, यहाँ पर हम थोड़ी देर कुछ डाल के छोड़ेंगे, रेड हार्पिक, या तो हाँ रेड हार्पिक यहाँ पर 10-15 मिनट छोड़ देंगे और ये क्लीन हो जाएगा पूरा। तो चलिए करते हैं अपना काम। तो यहाँ पर ना मैंने रेड वाला हार्पिक लेके उसको 10 से 15 मिनट डाल के फैला के छोड़ दिया था। ऐसे तो वाइपर पे डाल के पोछा भी लगता है बेड के नीचे, लेकिन उसके बाद भी इतना गंदा था, ओ माय गॉड, मुझसे तो ये देखा भी नहीं जा रहा था। मुझे बहुत इसके लिए बेचैनी हो रही थी कि जल्दी जल्दी इसको साफ़ कर दूँ, क्योंकि गंदा लगता है बहुत ज़्यादा, फिर यहाँ पर बेड डल जाएगा तो फिर बाद में नहीं हो पाएगा। तो मैंने इसको पहले अच्छे से, जो बर्तन साफ़ करने का जूना होता है ना, मैंने एक वो वाला या वेस्ट वाला, तो पहले उससे अच्छे से रगड़ के साफ़ किया और फिर कपड़े से साफ़ किया, तो देखो कितना क्लीन हो चुका है। थोड़ा बहुत रह जाएगा, इतना तो कोई नहीं, बेड डल जाएगा फिर से। ये देखो भाई, पहले से बहुत हद तक ठीक हो गया है, इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन हाँ फिर भी हो गया। मैंने ना रेड हार्पिक को डाल के 5 से 10 मिनट छोड़ दिया, उसके बाद अच्छे से इसको ब्राइट से घिस के और साफ़ कर दिया, हो गया, लेकिन बहुत हो गया। चलो फिर भी यहाँ तो बैड ही आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अभी भी कम ही है, लेकिन वो ज़्यादा वाइट है, ये ब्लैक है। और मैं थक गई, गर्मी में हालत ख़राब हो चुकी है,
मैक्स तो यहीं रहेगा, गर्मी हो सर्दी हो जहाँ मैं रहूँगी वहीं रहेगा। ये थोड़ा सा और ज़्यादा है, ये नहीं उतर पा रहा। चलो कोई नहीं, इतना तो बैठ के नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर कर रहे हैं मिस्त्री काम। ये ना हमने अपने सोफों का भी कलर चेंज करवा दिया, मतलब कपड़े, इनका कपड़ा ख़राब हो रखा था, गद्दी ख़राब हो रखी थी, तो ये गद्दियाँ सब चेंज करवा दी हैं। और ये वाला कपड़ा अच्छा लग रहा है, लाइट कलर है एकदम, क्योंकि अगर डार्क कलर ज़्यादा लगवाते हैं तो उसमें गर्मी में प्रॉब्लम करता है, चुभता है आँखों में। ये वाला कलर मुझे मस्त लगा था, एकदम बढ़िया। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं ना अभी अपनी किचन में हूँ और किचन में कर रही हूँ मैं काम, अथर्व के लिए बना रही हूँ, कुछ जुगाड़ फिट करती रहती हूँ मैं अथर्व के लिए। अथर्व को भूख ज़्यादा लगती है जैसे कि, तो मैंने यहाँ पर दो ब्रेड ली हैं, दिखाती हूँ बैक साइड से। दिया कि अथर्व गर्म बहुत है, इनको मैंने दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर दिया है, फ्राई ने ऐसे सेक दिया है घी डाल के। अब मैं क्या करूँगी, इनके ऊपर यहाँ पर चीनी डाल दूँगी, एक निकाल लेंगे और इसको इस साइड से भी हम ऐसे पलट के और थोड़ी थोड़ी चीनी डालेंगे और दूध डालेंगे। और ये ना बहुत ही मस्त लगता है, अथर्व को बहुत पसंद है ये। अथर्व कैसा लगता है? बहुत टेस्टी लगता है। टेस्टी लगता है। तो ये बना रही हूँ और हमारे घर में चल रहा है थोड़ा काम, क्योंकि थोड़ा करवा रहे हैं बस बेड वेड का ऐसे ही, ज़्यादा तो कुछ नहीं करवा रहे हैं। दिखाऊँगी मैं आपको। और इसके ऊपर अब डालेंगे, अब यहाँ इसको पलटने वाली थी। हाँ पलट देती मैं अभी इसे, बात तो बात बनाते बनाते। लेकिन इसके ऊपर दूध डलता है, थोड़ा थोड़ा दूध डाल लेंगे। और ये बस थोड़ा थोड़ा डालना है दूध, अगर एक साथ से बहुत सारा डाल देंगे ना तो होगा क्या कि ये सारा नीचे निकल जाएगा और ये आपकी ब्रेड चिपक जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा डालोगे तो ये चिपकेगी नहीं और ये बहुत टेस्टी लगता है। ये देखो बन गया ना मस्त मस्त। अब इसी के ऊपर हम ये वाली भी रख देंगे ब्रेड। अब इसके ऊपर लगाएंगे घी इस साइड से, ताकि ये इस साइड से भी तो सीख जाएगी ना। मैं ऑलरेडी शेफ हूँ। शेफ होता है वो, शेफ शेफ भी बोल सकते हैं। शेफ शेफ होता है, शेफ होता है, क्या होता है अथर? मेरा चेफ बोलता है। क्या होता है वैसे तो? शेफ। शेफ? वैसे मैं चेफ बोल सकती हूँ लेकिन। हाँ है ना, बोल सकती हूँ चेफ। मैक्स को देखो, बड़े तेरी प्यारी प्यारी नजरे। ओए कहाँ ले जा रहा है, उठा के पलटने तो दे। इधर दिखा, उठा के ले गया, मैं बातें बातें बना रही। वैसे बन चुका जल्दी बन गया। हाँ ये टूट तो जाता है ठंडा होने से, क्योंकि इसके अंदर दूध डलता है ना। प्लेट उठा ला, प्लेट में दूंगी। ये देखो भाई बन गया, बढ़िया मस्त मस्त। मैं बनाऊँ और कोई चीज ना बने ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा पिज्जा के दिन बना था? हाँ वो फर्स्ट टाइम पिज्जा बनाया था ना, तो वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था उसमें, कुछ ये देखो ये बन गया कितना बढ़िया। क्यों सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम अर्णव ने बनाया, सेकंड टाइम जो मैंने बनाया था वो थोड़ा खाने लायक हुआ था, जो मैंने बनाया था थोड़ा बढ़िया लग रहा था। हाँ वो बढ़िया बना था, अर्णव ने बनाया फर्स्ट टाइम वो थोड़ा खराब हुआ था। हैं हाँ अर्णव ने उसे ज्यादा तेज उस पे रख दिया था, हाथ पे मतलब गैस उसने हाई कर दी थी ज्यादा, और मैंने रखी थी बिल्कुल स्लो, तो इतना बढ़िया पिज्जा बना था बहुत, ये जोन सा बता रहा, लेकिन मेरे वाला अच्छा बना था अकॉर्डिंग टू अर्णव। आज ही ना ट्यूशन गया ना अकेडमी गया। चलो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या हमारा थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपने देख लिया होगा काम चल रहा था। मैंने बोला था इसी वीडियो में थोड़ा आपको आगे भी दिखाऊंगी। तो चलो भाई अभी फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन फाइनल तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब डेकोरेट वगैरह सब कुछ कर दूंगी। जैसे कि दीपावली आने लग रही है धीरे धीरे, तो दीपावली की सफाई भी हमने स्टार्ट कर दी अभी से ही, क्योंकि इतनी सारी सफाई होती है ना, इतनी। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी करती हूँ, थोड़ी आज थोड़ी कल थोड़ी कल थोड़ी कल। अगर एक साथ में सारी लेके चलूंगी ना तो मैं तो पागल हो जाऊंगी, मेरा दिमाग चल जाएगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी करती हूँ। किचन की डोर बताऊँ कैसे करती हूँ, दो डोर एक दिन करूंगी, क्योंकि किचन इतनी बड़ी है एक साथ नहीं हो पाती मुझसे। तो चलो दिखाती हूँ, एक्साइटेड। अब कैसा लगेगा वो आप मुझे बताना कमेंट करके। हमारा काउच
देखो भाई, काउच पर हमने दो कलर लिए हैं थोड़ा कंट्रास्ट में, ताकि अच्छा लगे एकदम देखने से, क्या बोलते हैं मतलब, हाँ एकदम सामने से देखने से लुक अच्छा है। तो ये हमारा काउच है, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, और बेड, बेड की क्या बात बताऊँ ये बेड पे हमारी चादर ही नहीं आ रही, एक भी चादर नहीं आ रही, बेड इतना बड़ा बनवा लिया हमने, सारी चादर डाल डाल के देख ली मैंने, सारी छोटी पड़े जा रही। ये देखो इतना साइड इधर से बचा है, क्योंकि ये बेड ना हमारा 8 फीट का हो गया है इसलिए। और ये देखो इधर से भी बची है, देखते हैं मिल जाएगी ऐसे तो मार्केट में कोई ना कोई। एंड 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 ये ऐसा आएगा सामने से, तो कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि मैंने तो बनवाया है। और ऊपर की साइड में ना थोड़ी जगह बची हुई थी तो वहाँ पे हमने ऐसे सीट लगवा दी है। ये देखो अच्छा जा रहा है कलर इसके साथ। हाँ हल्का सा येलोनेस उस पर आई है, क्योंकि उसको लेने मैं नहीं गई थी, इन्होंने मेरे पास फ़ोटो सेंड करी तो मैंने बोल दिया कि हाँ देखने में तो अच्छी लग रही है, कलर का फ़ोटो में इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, तो इसलिए चलो कोई नहीं, लेकिन मस्त है, बहुत मेहनत से बनवाया है। ये देखो भाई ये है हमारा धन 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 बेड। एंड ये एक मिरर इधर है, ये देखो। और पता इधर तो मैंने लगाया है देखने वाला प्लान, मतलब कि जिसमें देख सकते हैं, क्योंकि हमारे रूम में ऐसा एक होना चाहिए कि जहाँ पर हम थोड़ा सा हल्का सा टचअप अपना मेकअप वगैरह कर सके। और ये हमने लगवाया है कलरफुल ट्रांसपेरेंट वाला, जिसमें अगर अंदर हम कुछ डेकोरेटिव कुछ सामान रखेंगे तो वो दिख जाए। और अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है, फाइनल तो मैं आपको सेकंड वीडियो में दिखाऊंगी फिर कभी, क्योंकि दीपावली पर डेकोरेट होएगा ना तब। और यहाँ से हमने अपनी सेफ हटा दी है, ये रहा, और बस ये रहा। ये देखो एक हराया थर्फ मैक्स। और भी ये वाला कवर हमने चढ़ाया है अपने सोफों पर, ये देखो कितना गंदा हो गया, क्योंकि इतने दिन से काम चल रहा है, गंदा हो रहा है घर में, तो कवर मैंने इन पे डाल दिया, क्योंकि भाई बच्चे बहुत गंदा करते हैं और मैक्स भी गंदा करता है, बच्चे तो बच्चे। केशव को खिलाया था बाबू पहले, फिर नहीं खिलाया, देखा ना खुद से नहीं याद करते। और हाँ बस यही, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है ना, ये वाला कलर हमने बहुत सोच समझ के लिया है, बहुत सारी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि मैक्स भी है भाई, इसके बाल वाल भी है, सिचुएशन बेटे सिचुएशन तो मुझे भी कंफ्यूज कर रहा, सिचुएशन अच्छा सिचुएशन और सिचुएशन अरे तो छोड़ मार इंग्लिश को गोली। और जो हमारा पुराने वाला बेड था ये, इसको भी हमने चेंज करवा दिया। ये देखो अभी सामान तो भाई सब उल्टा पुल्टा पड़ा है, ऐसे ही फैला पड़ा है, लगाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। और इसको हमने लगवा दिया इधर बाहर, तो अब हमारा घर एकदम बेस्ट बना है, घर में शांति मिली है, अच्छा लग रहा है, अच्छा सा फील आ रहा है। हाँ अभी अच्छा सा फील आ रहा है मन को ना, अच्छा सा सुकून मिला है कि घर में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, क्योंकि वो पुराने वाला बेड ज़्यादा पुराना हो गया था। और भाई बजट भी देखना पड़ता है, तभी कुछ काम करना होता है आगे का, अगर ऐसे ही करवा लेंगे और हाथ में पैसे नहीं होंगे तो क्या कर लेंगे ठन ठन गोपाल। इसलिए अभी घर में चेंजेस तो बहुत करवाने हैं, लेकिन भाई करवाएंगे धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे पैसे होंगे वैसे वैसे घर में अपने काम कराते रहेंगे, एकदम से तो कुछ नहीं होता है, कोई नहीं कर लेंगे धीरे धीरे, है ना। तो बस चलो अब करते हैं कुछ काम, आज अथर ना ट्यूशन गया ना अकेडमी गया, यहीं पे ही है, और मुझे अपने प्लांट का भी काम करना है। हाँ स्कूल गया था आज अथर, स्कूल इसलिए गया था क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग होनी थी, स्विमिंग की वजह से स्कूल गया था, नहीं तो आज अंडम नहीं गया था ना, तो हिम्मत नहीं इसकी, ये चला जाता, ये बोलता है भैया नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊँगा। लो भाई अथर्व का हमारे बर्थडे है, और ये केक कटिंग होएगी अब यहाँ पर, केशव केक कट करेंगे, केशव का लगवा वो दूर है, माधव केशव चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू अथर्व, हैप्पी बर्थडे टू यू अथर्व। भाई हमारी सबकी रखी है तबीयत खराब, अथर्व की भी, अर्णव की भी, मेरी भी, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक सेकंड बस आराम से, हाथ से स्पून लिया ऐसे, खिला दूंगा।
अब पैर छू के आशीर्वाद ले लो केशव का और माधव का। बाबू पैर छुओ केशव के, खाना मत स्टार्ट कर पहले ही। पैर छुओ केशव के भी और माधव के भी। बेटे राइट हैंड से ऐसे दोनों हाथ करके, दोनों हाथ करो ऐसे, वेरी गुड, ऐसे हो गया बस। हाँ हो गया, खा ले खा लो। मैक्स भी देख रहा बेचारा। मैक्स ये ना अथर्व के बर्थडे वाले दिन मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लिप शूट कर लिया था, यादें रह जाती हैं और यूट्यूब पे वीडियो डल जाती है तो बाद में कभी भी उठा के देख लो। तो इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर।